नमस्कार, मैं नैना आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मिला था क्रिस्टोफर एल्शोल्स को टाइपराइटर का पेटेंट। पहला व्यवहारिक टाइपराइटर और शब्द टाइपराइटर सबसे पहले 1868 में क्रिस्टोफर सोल्स द्वारा विकसित किया गया और पेटेंट किया गया था। इसे पहला टाइपराइटर माना जाता है। इसके अलावा टाइपराइटर ने क्वर्टी लेआउट पेश किया, जिसका उपयोग आज भी लगभग सभी अमेरिकी कीबोर्ड पर किया जाता है। 1867 में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने सैमुअल सोले और कार्लोस ग्लिट के साथ मिलकर आविष्कार किया था। विभिन्न कीबोर्ड वाले टाइपराइटर का आविष्कार 1714 में हेनरी मिल द्वारा किया गया था और 1800 के दशक में विभिन्न रूपों में इसका आविष्कार किया गया था। आज के दिन ही ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए दिया था वोट। 23 जून 2016 को ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने यानी ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट दिया था। प्रस्ताव के पक्ष में 51.9% वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 48.1% लोगों ने मतदान किया था। इसके बाद 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की घड़ी में रात के 12 बजने के साथ ही ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया। इस ऐतिहासिक मौके पर लंदन में ब्रेग्जिट समर्थकों ने संसद के पास एकत्र होकर जश्न मनाया, जबकि स्कॉटलैंड में इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। स्कॉटलैंड के मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए मतदान किया था, लेकिन पूरे देश की राय इससे अलग थी। आज के दिन ही विमान दुर्घटना में हुआ था संजय गांधी का निधन। 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन हो गया था। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था, लेकिन उनके निधन से देश की राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल गई। देश में आपातकाल के समय संजय गांधी की भूमिका बहुत विवादास्पद रही। सत्ता की बागडोर भले ही इंदिरा गांधी के हाथ में थी, लेकिन बड़े फैसलों के पीछे संजय गांधी ही होते थे। आलोचक उन्हें तानाशाह बताते थे, जबकि संजय गांधी का समर्थन करने वाले उन्हें मैन ऑफ द एक्शन कहते थे। आज के दिन ही कश्मीर में हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून 1953 को कश्मीर में एक अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया था। डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था। वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। संसद में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की भी जोरदार वकालत की थी। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में डॉक्टर मुखर्जी ने संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।